दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे लगाया जाता है, इसके अंदर LSIG क्या होता है, कंप्लीट डिटेल में बिल्कुल आसान भाषा में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, जिस तरह से हम सभी के घरों में MCB लगाई जाती है, MCB को इस्तेमाल में लिया जाता है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ओवरलोड से बचने के लिए, उसी तरह से इस एयर सर्किट ब्रेकर को भी इसी काम के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, लेकिन घर में नहीं लिया जाता, ये लगाया जाता है इंडस्ट्रीज में, कंपनी में, जहां पर भी 3 फेज की सप्लाई दी जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं, हम सभी के घर में सिंगल फेज आती है, लेकिन जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उसके अंदर जो लोड रन कराया जाता है, वहां पर जो मोटर्स लगी हैं, वो 3 फेज की मोटर्स होती हैं। तो इन मोटर्स की प्रोटेक्शन के लिए, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, आपकी ओवरलोड की प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए, इस डिवाइस को बीच में लगाया जाता है मेन सप्लाई और आपके लोड के बीच में। तो ये जो डिवाइस है, ये क्या करती है, ये MCB की तरह आपकी सर्किट को प्रोटेक्शन देती है। अब बात करते हैं इसका नाम एयर सर्किट ब्रेकर क्यों पड़ा। उससे पहले हम आपको एक और चीज बता दें, जो भी आपका एयर सर्किट ब्रेकर है, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कहने का मतलब ये है कि इसको आप मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसको आप ऑटो में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो ऑटोमेटिकली भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसको एयर सर्किट ब्रेकर ही क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में ही इस एयर सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है, तो इंडस्ट्रीज में दी जाने वाला वोल्टेज और जो करंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। जब कभी भी हम मेन सप्लाई से अपने लोड को चलाते हैं, तो वहां पर जब भी कॉन्टैक्ट बनते हैं, तो वहां पर स्पार्क प्रोड्यूस होती है, वहां पर आर्क प्रोड्यूस होती है, वहां पर आग की फॉर्म में एक जो है एनर्जी वहां पर निकलती है। ये आपने नॉर्मल भी देखा होगा कि जब भी दो करंट वाले वायर को कोई वायरमैन उसको टच करता है आपस में, तो वहां पर भी एक चिंगारी जो है वहां पर दिखती है। तो इसी चिंगारी को, इसी आर्क को कम करने के लिए, ये आर्क ना प्रोड्यूस हो, इसको स्टॉप करने के लिए, कोई हजार्डियस कंडीशन ना आए, इसको अवॉइड करने के लिए एयर सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल किया जाता है मेन सप्लाई और लोड के बीच में। अब होता क्या है कि जो भी आपके मोटर अगर 3 फेज की हो, 3 फेज की सप्लाई है, अगर हम जैसे ही मोटर को चलाना चाहेंगे, तो मेन सप्लाई से 3 फेज के कॉन्टैक्ट को बनाना होगा। तो जब भी ये कॉन्टैक्ट बनते हैं, तो वहां पर जनरेट होती है आर्क। इसी आर्क को क्वेंच करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर्स के अंदर एयर डाली जाती है इस आर्क को बंद करने के लिए, ताकि कोई हजार्डियस कंडीशन, कोई डेंजरस कंडीशन ना आए और हमारे सिस्टम में जो सेफ्टी है वो बनी रहे। क्योंकि हम सभी जानते हैं, कहीं पर आपका कोई, मान लीजिए LPG का प्लांट है, जहां पर आपकी गैस जो है वो बनाई जा रही है, या गैस से कोई रिलेटेड काम हो रहा है, तो अगर उस जगह पे ये आर्क प्रोड्यूस होती है, किसी कंडीशन में कोई गैस लीकेज हो जाता है, तो इस आर्क की वजह से पूरी कंपनी में आग लग सकती है। जो आर्क प्रोड्यूस होती है मेन कॉन्टैक्ट और लोड के कॉन्टैक्ट को बनाते वक्त, उसको डिमिनिश करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है आपका एयर सर्किट ब्रेकर। अब जो एयर सर्किट ब्रेकर है, ये हैवी लोड पर ही लगाया जाएगा, ये घरों में इस्तेमाल नहीं होता। घरों में MCB काम कर देती है, घरों में हमें इतना ज्यादा करंट और वोल्टेज नहीं देखने को मिलता, जिससे कि जो इतने अमाउंट में आर्क प्रोड्यूस हो। लेकिन जो इंडस्ट्रीज में हैवी लोड है, हैवी मशीन्स है, हैवी HP की मोटर्स है, उनको रन कराने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए। उस ज्यादा वोल्टेज में जब हम मोटर्स को रन कराते हैं, तो आर्क प्रोड्यूस होती है। इसी आर्क को स्टॉप करने के लिए एयर सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल में लिया जाता है। एयर इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है उस आर्क को बंद करने के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ा है एयर सर्किट ब्रेकर। तो अब मैं आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस एयर सर्किट ब्रेकर का, LSIG कॉन्सेप्ट। अब LSIG क्या होता है, तो जो भी एयर सर्किट ब्रेकर है, कोई भी एयर सर्किट ब्रेकर हो, उस पर आपको ये 4 टर्म्स देखने को मिलेंगी। L मतलब होता है ओवरलोड ट्रिपिंग, S मतलब होता है शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग, I मतलब होता है इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग, एंड G मतलब होता है ग्राउंड फॉल्ट ट्रिपिंग। अब इसमें जो आपकी ओवरलोड की ट्रिपिंग होगी, उसमें जो ओवरलोड की ट्रिपिंग की कैलकुलेशन होती है, वो परसेंटेज वाइज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 1000 एम्पियर का एक सर्किट ब्रेकर आपने किसी सर्किट में लगा दिया, तो ये जो 1000 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है, इसमें हम अपने 1% सेट कर देते हैं। इसमें एक जो है रोटेशन में आपको नॉब दे रखी होती है, कितने परसेंट पे आप इसको सेट करोगे। तो ओवरलोड का मान लीजिए हमने 80% सेट कर दिया, तो 1000 का 80% होता है 800। तो जब कभी भी ओवरलोड होगा, 800 एम्पियर करंट आपका लोड ले रहा होगा, उस टाइम पर ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ओवरलोड की प्रोटेक्शन इसके अंदर की जाती है। वहीं पर अगर हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की बात करें, तो हम सब ये तो जानते हैं कि जहां पर भी शॉर्ट सर्किट होता है, वहां पर जो करंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर जो शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन होती है, वो परसेंटेज वाइज नहीं होती, वो टाइम्स पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपका 1000 एम्पियर का एक एयर सर्किट ब्रेकर है, और आपने उसकी जो शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन है 3 टाइम्स सेट कर दी, तो 3000 गुना जब ज्यादा करंट होगा आपके शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, उस टाइम पर जो आपका सर्किट है वो ब्रेक कर दिया जाएगा एयर सर्किट ब्रेकर के थ्रू। सिमिलरली
फाइनली गाइज आपका एक और होता है इसके अंदर इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग। अब ये इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग क्या होती है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी मोटर्स हो उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, रनिंग करंट थोड़ा कम हो जाता है। तो स्टार्टिंग करंट मोटर के पास ज्यादा ना आए उसको भी हम एक वैल्यू के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। ये भी टाइम्स पर ही डिपेंड होता है कि कितने एम्पियर की आपकी मोटर है, वो उसका स्टार्टिंग करंट कितना है और आप उसकी वैल्यू कितने टाइम सेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने शॉर्ट सर्किट के अंदर सेट करा था। सिमिलरली इसके अंदर होती है ग्राउंड फॉल्ट ट्रिपिंग। ग्राउंड फॉल्ट ट्रिपिंग के अंदर भी यही होता है कि जब कभी भी आपका जो ग्राउंड फॉल्ट है वो आता है तो आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो उसे ऑटो में भी ट्रिप कर देता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम है, आपके मोटर्स हैं, आपकी लोड है, वो बच जाता है डैमेज होने से। मान लीजिए आपका एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस फॉल्ट की वजह से जो एयर सर्किट ब्रेकर है ये ट्रिप हुआ है, हमारा सिस्टम बंद हो गया, तो कौन सा फॉल्ट आया था जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो बंद हुआ। तो पर इसके लिए आपको एक सेपरेट बटन दिया जाता है, आप इसको प्रेस करोगे तो वहां पर आपको इंडिकेट हो जाएगा कि कौन सा फॉल्ट था, लोड फॉल्ट था, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट था या ग्राउंड फॉल्ट था। तो इस तरह से जो आपका एयर सर्किट ब्रेकर है वो इंडस्ट्रीज के अंदर लगाया जाता है, घरों के अंदर MCB लगाई जाती है। आई होप गाइस आपको पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू गाइस।